Hello students, in previous video I read this lesson, lesson number 11, Heaven and Hell. Now this story is about the intelligence of Tenali Rama, as you heard her name very times. Now in Krishna Dev Rai's court, Krishna Dev Rai ke court mein ek din sabhi minister jo the wo एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और उनका टॉपिक जो था वो हेवन को लेकर था, स्वर्ग को लेकर था. तो उसने बोला कि अगर हम पायस हैं और जेनरसली जो टेंपल्स चैरिटीज़ में डोनेट करते हैं तो हमें आशा करते हैं कि हम हेवन में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे. लेकिन उसी समय तनाली रामा जो है वो उनकी बातों को रोक देता है और बोलता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आई डोंट एग्री विद यू. So here jeered Swami, who was particularly jealous courtier, जो जलता था तेनाली रामा से, jeered Swami. उन्होंने बोला कि do you ever agree with anyone, क्या तुम कभी कभी किसी से सहमत हुए हो जो आज हो गए. ना तेनाली इग्नोर्ड हिम, तेनाली ने उनको ध्यान नहीं दिया और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोला कि मैं विश्वास रखता हूँ कि जो हेवन और हेल होते हैं वो दोनों ही इसी धरती पर मौजूद हैं. तो सभी लोग हंसने लगते हैं, एवरीवन लाफ्ड. Whoever had heard of heaven on the earth or hell either? और हंसते हुए बोलते हैं कि कभी किसी ने सुना है कि heaven जो है अर्थ में है या hell जो है वो अर्थ में है. लेकिन कृष्ण देव राव जो सभी बातों को, सभी कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने तेनाली से कहा कि ये एक arguable statement है तेनाली, तो क्या तुम शो कर सकते हो कि heaven और hell जो है वो दोनों अर्थ में है. तो तेनाली रामा एग्री हो गया, बोला कि बिल्कुल मैं कर सकता हूँ. तो बोला कि मुझे एक कोई चाहिए जो जिससे मैं ये साबित कर सकूं. तो उन्होंने बोला कि कौन पहले वो करेगा जाएगा. तो जैसे ही ये सारे ये शब्द कृष्णदेव राय के से सुने तो सभी जितने कोटियस थे सब पीछे हट गए. तो तेनाली ने बोला कि क्यों ना स्वामी को भेजा जाए पता करने के लिए हेवन और हेल यहाँ अर्थ में है या नहीं है. स्वामी को थोड़ा इरिटेशन तो हुआ, परेशान हुए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे. सो हाउ डू आई गो अबाउट इट, ही आस्क्ड रेलिक्युलेंटली. तो उन्होंने बहुत ऐसे गुस्से में कहा कि चलो हाँ बताओ मुझे कैसे करना है, क्या है, कैसे पता चलेगा. सो ऑन स्वामी यू नीड टू गो थ्रू द सिटी डिसगाइज्ड ऑफ कोर्स, तेनाली से. तेनाली ने कहा कि आपको पूरी सिटी में डिसगाइज होके जाना पड़ेगा. डिसगाइज मीन्स स्टूडेंट, अपनी जो पहचान है उसको छुपाकर. तो डिसगाइज इज व्हाट. तो स्वामी ने क्वेश्चन पूछा कि किसका रूप लेना पड़ेगा, कैसा, क्या डिसगाइज करना पड़ेगा. तो बोला कि ओ, एक कोर्टियर ने हंसते हुए कहा कि एक बेगर बन सकते हैं, एक भिखारी वाला रूप बना सकते हैं. स्वामी वॉज रियली अनॉयड नाउ. अब स्वामी जो थे वो उनको वाकई में बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी करने के लिए. तो उन्होंने कुछ फटे पुराने कपड़े पहने, रैग्स वाले, एक बाउल लिया, मिट्टी का बाउल लिया अपने हाथ में और सिटी की तरफ निकल गए. पूरा दिन वो घूमते रहे उसके गलियों में, सड़कों पर. शाम को जब वो वापस आए तो वो बहुत थके हुए थे और बहुत भूखे थे. तो उन्होंने बोला कि किंग ने पूछा कि डिड यू फाइंड आइदर हेवन और हेल, क्या तुम्हें पता चला हेवन और हेल के बारे में, स्वर्ग और नर्क के बारे में. सो स्वामी सेड व्हाट हेवन एंड व्हाट हेल, क्या स्वर्ग क्या नर्क, मैंने कुछ नहीं देखा यहाँ पे. तेनाली हम सब, और तेनाली वहां खड़े हुए सुन रहा था और हंस रहा था. तो बोला ये सब, ये तेनाली जो है उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है. मैं पूरा दिन यहां से वहां घूमता रहा और मुझे कहीं पर भी कुछ वो सूखी हुई पुरानी बासी रोटी मिली और कुछ छोटे छोटे सिक्के मिले. बहुत गुस्से में स्वामी ने इसको रिप्लाई किया. तेनाली ने फिर कहा कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. अब यू से यू डिडंट सी हेवन और हेल, आप कह रहे हो कि आपने हेवन और हेल को नहीं देखा, बट यू मस्ट हैव सीन सम सीन अदर थिंग्स ड्यूरिंग द डे, क्या आपने कुछ और चीजें देखी पूरे दिन भर में. स्वामी ने आंसर किया कि हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई सॉ हस्बैंड बीटिंग हिज वाइफ, मैंने देखा कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को मार रहा है. आई सॉ देयर चिल्ड्रन क्राइंग, मैंने देखा कि उसके बच्चे रो रहे हैं. ओ माय हैड स्टिल हर्ट्स फ्रॉम ऑल दैट रैकेट्स, और मेरा सर ये सब चीजें देखकर एकदम दुख रहा है.
सो वॉट एल्स डिड यू सी, और इसके अलावा क्या देखा? आई सॉ अनदर कपल विद देयर ओल्ड पेरेंट्स, मैंने देखा एक और कपल था वो अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ था, दे वर काइंड इनफ टू शेयर देयर लंच विद मी, और वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपना लंच मेरे साथ शेयर किया. यू डिड सी हेवन एंड हेल, तो तेनाली ने आंसर किया इसका मतलब आपने हेवन और हेल देखा. फैमिलीज वेयर यू सॉ लव एंड काइंडनेस दैट वॉज हेवन, जिस फैमिली को आपने देखा जहाँ पर प्यार और काइंडनेस थी वो हेवन है. बट प्लेस वेयर देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट एंगर रिसेंटमेंट वायलेंस एंड ग्रिप, और ऐसी जगह जहाँ पर गुस्सा खुशी नहीं थी और लड़ाई झगड़ा था दुख था, those families had created their own hell. वो ऐसी families थी जिन्होंने अपना नर्ग खुद बनाकर रखा था. So the courtiers couldn't but agree. तो अब जितने भी courtiers थे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनको तेनाली की बात से वो सारे सहमत थे. So students, this is the story of heaven and hell. So you have to read it once again and try to understood it.